नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा दर्शन। मैं हूं जावेद अंसारी। विधानसभा चुनाव होने को है, दोनों पार्टियों ने या यूं कहें सारी बड़ी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। अगर बात की जाए रीवा जिले की, तो रीवा जिले की 8 विधानसभा में केवल और केवल मनगावा से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं घोषित किया है। हम रीवा जिले की सबसे पहले बात करते हैं रीवा विधानसभा की। रीवा विधानसभा में मैं आपको बता दूं, यहां पर से 3 बार से लगातार चुनाव जीत रहे राजेंद्र शुक्ल पर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना फिर से दांव खेला है। वो निकट भविष्य में काफी मतों से, पिछला तीनों चुनाव काफी मतों से चुनाव जीते थे। इस बार उनके सामने रीवा जनपद के जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा। जी हाँ, अभय मिश्रा वो नाम है जो सेमरिया से विधायक भी थे। उसके बाद जब उनका भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काटा, उनकी पत्नी को टिकट दिया, वहां से उन्होंने अपनी पत्नी को भी चुनाव जिता लिया। उसके बाद वो खुद जिला पंचायत के अध्यक्ष बन गए। कहा जा सकता है अभय मिश्रा कोई चुनाव नहीं हारे। राजेंद्र शुक्ल भी लगातार पिछले 3 चुनाव से जीत रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की अगर रीवा में बात की जाए, तो रीवा से अभी बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया, लेकिन माना जा रहा है रीवा से बहुजन समाज पार्टी मधुबा सोनी को अपना प्रत्याशी बनाएगी। अब देखना रोचक होगा कि विधानसभा के इस चुनाव में ऊंट आगे आने वाले समय में किस करवट बैठता है। अगर हम दूसरी विधानसभा की तरफ चलें, हम बात करें सिमरिया विधानसभा की। सिमरिया विधानसभा जहां से अभय मिश्रा की पत्नी नीलम मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से विधायक थी, इस बार उन्होंने अपना चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, इसलिए वहां से जनपद अध्यक्ष केपी त्रिपाठी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी दिया। पंकज सिंह पूर्व में भी बहुजन समाज पार्टी के वहां से प्रत्याशी थे, इस बार भी बहुजन समाज पार्टी ने उनको वहां से अपना प्रत्याशी बनाया। कांग्रेस ने भी अपना पूर्व प्रत्याशी ध्रुवी नारायण, जो इस समय कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी हैं, उन पर अपना दांव खेला। माना जा सकता है सिमरिया में केपी त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के पहली बार चुनाव क्षेत्र में उतरने जा रहे हैं। तीनों पार्टियों के अपने अपने प्रत्याशी, अपने अपने दावे। हम बात करें सिरमौर विधानसभा की। सिरमौर विधानसभा में पिछला चुनाव कांग्रेस से लड़े विवेक तिवारी बबला की टिकट इस बार कट दी गई। टिकट कटी लेकिन मिली किसे? उनकी पत्नी अरुणा तिवारी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने दिव्यराज सिंह, जो पूर्व में वहां पर थे विधायक हैं, उन पर अपना दांव खेला है। भारतीय जनता पार्टी से और भी कई लोग अपना टिकट वहां पर से मान के चल रहे थे कि इस बार उनको वहां से टिकट मिलेगा। अगर मैं नाम लूं तो प्रदीप सिंह पटना और चंद्रमणि त्रिपाठी की बेटी को भी यह लग रहा था कि उनको वहां से टिकट मिलेगा। इन दोनों की नाराजगी निश्चित रूप से दिव्यराज सिंह पर थोड़ा बहुत भारी पड़ सकती है। वहीं अगर बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए, तो राम गरीब वनवासी जो कि त्योंथर से चुनाव लड़ा करते थे, उनको इस बार बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी सिरमौर से बनाया। राजकुमार उर्वलिया का टिकट काट दिया गया। राजकुमार उर्वलिया भी किसी पार्टी की तलाश में है, वो भी वहां से अपना चुनाव लड़ने के मूड में है। अगर हम बात करें त्योंथर विधानसभा की, त्योंथर विधानसभा पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस के रमाशंकर थे, इस बार भी रमाशंकर को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया। बात की जाए बहुजन समाज पार्टी की, तो राम गरीब वनवासी को, क्योंकि उन्होंने सिरमौर शिफ्ट किया, इसलिए वहां से उन्होंने महिला कैंडिडेट गीता मांझी पर अपना दांव किया। भारतीय जनता पार्टी के उम्र दराज नेता रमाकांत तिवारी, जो वहां पर से किसी जमाने के मंत्री भी हुआ करते थे, बड़े कद्दावर नेता थे, इस बार से ये कैस लगा रहे जा रहे थे कि उनका टिकट को कटना तय था, लेकिन ये माना जा रहा था कि उनके परिवार से किसी को टिकट मिलेगा। उनके परिवार से किसी को टिकट नहीं मिला, लेकिन जिस शख्स को टिकट मिला, श्यामलाल की अगर मैं बात कर रहा हूँ, श्यामलाल रमाकांत के बहुत खासम खास हुआ करते थे। वो जिस भी पार्टी में रहे, श्यामलाल हमेशा उनके साथ रहे। इस बार देखना है श्यामलाल वहां पर और रमाशंकर के बीच की लड़ाई क्या रोचक रंग लाती है। अगर हम बात करें मऊगंज विधानसभा की, मऊगंज विधानसभा में वहां से विधायक हैं कांग्रेस के सुखेंद्र सिंह बन्ना। सुखेंद्र सिंह बन्ना को इस बार कांग्रेस ने फिर से टिकट दिया है। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी से पिछला चुनाव वहां से लड़ा था लक्ष्मण तिवारी ने। लक्ष्मण तिवारी ने इस बार समर समाज पार्टी फिर से बना ली है। वो इस बार समर समाज पार्टी से अपने चुनाव लड़ रहे हैं मऊगंज से, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वहां पर से एक नया प्रत्याशी देना था। भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर से
प्रदीप पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया। प्रदीप पटेल किसी जमाने में भारत बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता हुआ करते थे। उन्होंने लोकसभा चुनाव का भी बहुजन समाज पार्टी के टिकट से लड़ा था। माना जा सकता है उनका जनाधार वहां पर काफी बेहतर है। अगर वहां से इस बार बात की जाए तो भारतीय बहुजन समाज पार्टी ने वहां पर नगेन सिंह को टिकट, कहा जा सकता है बहुजन में इस बार दो ठाकुर, एक ब्राह्मण और एक पटेल मतदाता पटेल वहां पर चुनाव लड़ा। निश्चित रूप से रीवा जिला जातिगत समीकरणों पर आधारित है। यहाँ का चुनाव अंत अंत में जातिगत आधार पर जाता, इसलिए इस मुद्दे को भी ध्यान में रखना जरूरी है। अगर हम बात करें देवतालाब की, देवतालाब से पिछला तीन चुनाव लगातार वहां से भारतीय जनता पार्टी के गिरीश गौतम जीत रहे हैं। वहां से कांग्रेस लगातार अपना प्रत्याशी बदलती रही है। इस बार भी कांग्रेस एक अच्छे प्रत्याशी की तलाश में थी। बहुजन समाज पार्टी ने इस बार वहां पर से सीमा जयवीर सिंह को अपना प्रत्याशी, वहां से विद्यापति पटेल टिकट मांग रही थी। विद्यापति पटेल का एक जनाधार है वहां पर, माना जा सकता है कि पटेल मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा। बहुजन समाज पार्टी ने जब इस बार उनको वहां से टिकट नहीं दिया तो कांग्रेस ने उनको अपने पाले में लाकर वहां पर से अपना प्रत्याशी बनाया है। कहा जा सकता है इस बार देवतालाब का चुनाव गिरीश गौतम वर्सेस विद्यापति पटेल हो सकता है। अगर हम बात करें मनगावा विधानसभा की, मनगावा विधानसभा से अभी कांग्रेस ने अपने कोई भी पत्ते नहीं खोले, वहां से उन्होंने अपना प्रत्याशी नहीं तय किया। भारतीय जनता पार्टी ने पंचूलाल पर अपना दांव खेला है। पंचूलाल वहां से पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, उनकी पत्नी भी वहां से विधायक थी। बहुजन समाज पार्टी का अगर बात की जाए तो शीला त्यागी पिछली बार वो चुनाव जीती थी लेकिन बहुत कम वोटों से जीती थी। वो बहुजन समाज पार्टी की वहां से सिटिंग एमएलए, इस बार बहुजन समाज पार्टी ने अपना उनको एक बार फिर से टिकट दिया। कुल विधानसभा में इस बार वही चारों प्रत्याशी हैं जो पिछली बार भी चारों प्रत्याशी पर चुनाव लड़े थे। मैं चार नाम क्यों ले रहा हूं इसकी भी एक बड़ी ठोस वजह मैं आपको बता दूं। वहां पर से सुंदरलाल तिवारी कांग्रेस के सिटिंग एमएलए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दो बार से वहां चुनाव जीत चुके हैं। पिछला चुनाव नागेंद्र सिंह हार गए थे, इस बार उनको अपना प्रत्याशी बनाया। मुनिराज सिंह पटेल बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े, पिछली बार भी यही चुनाव लड़े थे। मैं आपको एक नाम और लेने जा रहा हूँ, वो है निर्दलीय प्रत्याशी का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कुंवर कपिध्वज सिंह। कुंवर कपिध्वज सिंह वरिष्ठ वहां पर समाज सेवी है, युवा है, उनकी एक छवि है। ये माना जा सकता है कि अगर चारों प्रत्याशियों में बात की जाए तो वो स्थानीय प्रत्याशी हैं। पिछला चुनाव उन्होंने निर्दलीय लड़ते हुए 25,000 वोटों से पाया। मैं इनने जो चारों नाम लिए ये आपको मैं बता दूं कि वहां पर 30,000 से 32,000 वोट पाने वाला चुनाव जीतता। ये चारों प्रत्याशी पिछले चुनाव में 25,000 से ज्यादा वोट इन लोग चारों ने पाया था। इसलिए गुड़ का चुनाव निश्चित रूप से इस बार रोचक होगा। यह था रीवा विधानसभा के 8वें विधानसभा क्षेत्र का हाल। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, मनगावा से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं किया। महिलाओं के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने वाली सारी पार्टियों ने यह कमाना जा सकता था, कहा जाता था कि आधी आबादी इस हिंदुस्तान की महिलाओं की है। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने एक भी महिला कैंडिडेट को अपना प्रत्याशी यहां से नहीं बनाया। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने दो प्रत्याशी महिला दिए हैं। उन दो प्रत्याशियों की अगर मैं नाम लूं तो उनमें से एक प्रत्याशी सिरमौर की अरुणा तिवारी, दूसरी देवतालाब की विद्यावती पटेल। रीवा दर्शन लगातार विधानसभा चुनाव का, विधानसभा के बारे में छोटे छोटे समाचार से लेकर सारी जानकारियां आप तक पहुंचाता रहेगा। आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार देखते रहिए। रीवा दर्शन न्यूज का सिलसिला इसके आगे भी जारी रहेगा। तब तक के लिए मुझको इजाजत दीजिए। नमस्कार।